इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय एक जन संचार माध्यम भाग चार, जिसमें हम पढ़ेंगे सिनेमा के बारे में। हमने ऊपर क्या पढ़ा, पत्रकारिता के बारे में पढ़ा, मीडिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद से हम आगे भी पढ़ चुके हैं। तब हम रेडियो के बाद सिनेमा पर आए। जन संचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। लोगों के बीच में कैसे क्या भूमिका निभाना है, सिनेमा एक बहुत अच्छे माध्यम से बता सकता है उसको। जैसे मैं आज का सिनेमा नहीं बोल रहा, आज का सिनेमा तो चुतियापा हो गया है, केवल वहां पर छोरा छोरी कर रहा है सब। आज के फिल्म में कोई भी फिल्म देख लो, पहले का फिल्म हुआ करता था रोटी, ऐसा लगता था कि भैया वो फिल्म है, देखने लायक है, समाज को सुधार सकता है। लेकिन आज का बस यही है कि एक हीरो है एक हीरोइन है, दोनों मिल गए, साला कहानी खत्म, उसके बाद कहानी में कुछ हिले नहीं है। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पे सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। हम सब जानते हैं सिनेमा को मनोरंजन के सशक्त माध्यम के, मतलब सिनेमा को एक मनोरंजन का माध्यम के तौर पर देखा जाता है, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसके अलावा भी सिनेमा का क्या काम है ये जानो। इधर देखो, बगल में कुछ फोटो दिख रहा है, पुराने फिल्मों के कुछ चित्र, ये पुराने फिल्मों के हीरो हैं, बाबू भुसाई, और भी कुछ इनके डायलॉग है, अजीब अजीब से डायलॉग, मस्त मस्त डायलॉग है। लेकिन आज का जो रामायण आदि पुरुष चला है, घटिया, सबसे घटिया फिल्म है आदि पुरुष आज का, बाकी सब तो मैं देखा ही नहीं हूं। यह गतिविधि देख लो, आपकी संसदीय फिल्म, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, कौन सी फिल्म को आप फेवरेट बोलते हो। हमने तो आज तक किसी को नहीं बोला। एक फिल्म लगता है मेरे को फेवरेट, तिरंगा, जो हमारे देश से रिलेटेड है। इस फिल्म का कौन सा चित्र आपको अच्छा लगता है और क्यों लगता है, फिल्म क्या संदेश देती है, इस बारे में 200 शब्दों में रिपोर्ट लिखें और अपने अध्यापकों को दिखाएं। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। किसको, थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। और यह 1883 में मैग्नेटोस्कोप की खोज के साथ शुरू हुआ। मैग्नेटोस्कोप का मतलब होता था कि हमें अंतरिक्ष का फोटो लेना, उसके बारे में देखना। तो उसके खोज के साथ ही इसका शुरुआत हुआ और 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी, द अरावली फॉर ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्द ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छे फिल्म बनने लगे और सब कोई देखने भी लगा। भारत में पहली मुख फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फलके को जाता है। वही भारत में पहली का फिल्म बनाए थे। यह फिल्म थी 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के दो दशकों, मतलब 20 साल में कोई और मुख फिल्म नहीं बनी। मतलब 1913 में जो फिल्म बना, उसके बाद से 20 साल तक कोई फिल्म नहीं बना। इससे कथानक धर्म इतिहास और लोक कथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे हैं। होता रहा, कथा हुआ, नाटक हुआ, बहुत सारा इतिहास हुआ। 1931 में पहली बार बोलती फिल्म बनी, मतलब जिस तरह हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आलम राजा, ये बोलती फिल्म थी, जैसा आज फिल्म दिखता है, लेकिन साफ ब्लैक एंड व्हाइट था। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आजादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के यथार्थों को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यवसायिक का रास्ता अपनाया। यह एक तरफ से पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, उसके बाद है गुरुदत्त जैसे फिल्मकार उस समय थे जो फिल्म बनाते थे, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार भी वहां पर थे, बाकी सब एक तरफ। कौन? पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे ही, लेकिन दूसरी तरफ सत्यजीत राय भी थे जो फिल्मकार थे और अच्छा फिल्म बनाकर देते थे।
70 के दशक तक सिनेमा के मूल में, मतलब सिनेमा में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो का परिकल्पना किया। शक्तिमान सबसे पहला सुपर हीरो वाला फिल्म था, चाहे सीरियल, वो सीरियल नहीं था, जो हमारे देश भारत में चला, जो 1980 के दशक में बना था। और सबसे पहले सुपर हीरो के रूप में शक्तिमान, मतलब मुकेश खन्ना जी रोल किए थे। तो मुकेश खन्ना उस समय पर्दे पर आए, तो उस समय प्रेम पर बनता था, रोटी पर बनता था, मकान पे बनता था, और भी ये फांसी, कानून, सजा, दलील, बहुत सारे प्रकार के फिल्म बने। और 1980 के दशक में रामायण, रामानंद सागर रामायण, रामानंद सागर जय श्री कृष्ण, रामानंद सागर महाभारत, ये सब बने उस समय। आगे देखते हैं, कहानियों में कुछ न कुछ, कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत सी अव्यवहारिक तरीके से, मतलब बहुत सा उल्टा सीधा तरीका से भी सामने पेश किया गया। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यमों का इस्तेमाल, सिनेमा का इस्तेमाल हम आम लोगों में चेतना फैलाने, मतलब आम लोगों को जागरूक करने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए, कि हम सिनेमा के माध्यम से लोगों के मन में जागरूकता का भाव, लोगों के मन में सिद्धांत का भाव, लोगों के मन में कानून का डर बैठा दिया जाए, जिससे चोरी डकैती सब रुक जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था। और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसे फिल्में बनी उस समय। अंकुर, जिसमें एक बिया से अनाज होना, निशांत, जो शांत नहीं होता था उसको भी शांत करना, अर्धसत्य, ज्यादा सच नहीं ज्यादा झूठ नहीं, बीच के माध्यम से हम आगे चले और अपने जीवन को कैसे जिए, वैसे वैसे प्रकार के फिल्म भी बने। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पंचाली बनाकर उसकी शुरुआत कर दी थी कि लोगों के बीच में जागरूकता लाया जाए, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल लिट साठ, उस समय एक आंदोलन उठा लिट साठ के दशक में, कब, 60 के दशक के आखिरी वर्षों, और 70 के दशक में। यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। आंदोलन इसलिए चलता था, इस धारा में सत्यजीत राय है, यहाँ पर सत्यजीत राय के अलावा श्याम बनेगल, कृणाल सेन, ऋत्विक घाटक, अधुर गोपाल कृष्ण, एस एम सथियु, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल थे, जिसके वजह से और भी अच्छे अच्छे फिल्म हमको मिलना चालू हो गया। लेकिन बाजारवाद और व्यवसायिक के दबाव में, बाजारवाद, बाजार को जो चलाता था वो, चाहे व्यवसायिकता, जो लोग व्यवसाय करते थे, उसके दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म हो गया। जिसमें पहले का फिल्म था, कौन सा, पहले के फिल्म में समानांतर जो हो रहा है वो दिखाया जाता था और कला दिखाए जाते थे, लेकिन उसका दौर 80 तक खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी, और मुंबईया फिल्में, जिसको बम्बईया फिल्मों के नाम से लोग जानते थे, बम्बईया फिल्म, तो वो सब दशक के, 80 के दशक में पूरे देश में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबाव रहा है। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे अपनी अंतर वस्तु में, मतलब जब वो फिल्म दिखाते हैं तो उसमें लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी, मतलब जैसा लोग हैं उनके समान ही उस फिल्म को चलाया जाता था। आज भी जो भी फिल्म चलता है लोगों के सोच से आगे नहीं चलता है, लोगों के सोच के बराबर में चलता है। कला फिल्मकारों, देखें आप, है कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ, जब कला फिल्म कमजोर पड़ने लगा तो उसके साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया, और तकनीकी थकान भर भारी उठ पड़ने लगे। और जो तकनीकी कथानक, कथानक में हो जाता है जो कथा लिखा जाता था, चाहे हमको जो सामान चाहिए उसमें
बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा, चाहे भारी पड़ने लगा, जैसे खर्चा भारी पड़ गया, कथा लिखने वाला वो भारी, मतलब उसको दाम ज्यादा देना पड़ रहा है, नहीं लिख रहा है, ये सब समस्याएं उस समय आने लगी थी। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों का भी एक धारा लगातार चलती रही है, जैसे में हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, साजन जी घर आए, ये सब फिल्म जो था पारिवारिक फिल्म था, जिसमें हर परिवार के लोग बैठकर देख सकते हैं। हल्के फुल्के हास्य, मतलब हल्का फुल्का हंसी उसमें, और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इस साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। आज जितना ज्यादा लोकप्रिय फिल्म था हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, परिवार, ये सब फिल्मों का लाजवाब आज तक उसका कोई टक्कर ही नहीं दे पाया। चाहे उसमें आपका सलमान खान हो गया, और भी उनके साइड में हीरो हो गए, और अमिताभ बच्चन जी हो गए, ये सब जी लो सॉरी ये सब जितने भी नायक थे अच्छे अच्छे फिल्म निकाले। भले ही आज गुटखा का प्रचार करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, अलग बात है। भले यहाँ पर अमिताभ बच्चन आज कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते होंगे, है कि किडनी देखो फेल है, एक ही वो किडनी पर जीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो तुरंत टपक जाएंगे, इसलिए वो पीते नहीं है, लेकिन प्रचार करने में नंबर वन। भले नवरत्न तेल वो माथे में ना लगाते हो, काहे कि वो तो विक पहनते हैं तो काहे को लगाएंगे। हेयर प्लांटेशन वो किए हैं, आज तक देखो उनका बाल पक गया, कहाँ से पकेगा, ओरिजिनल बाल रहेगा तब ना पकेगा। लेकिन वीक है भैया, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रचार में दिखाया जाएगा आपको। आज तक घड़ी साबुन का इस्तेमाल वो घर में नहीं किए होंगे, लेकिन घड़ी का प्रचार करते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं उससे। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहरों के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। साथ में हो इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, दर्शकों को बांधने वाला कथा, रोजमर्रा की समस्याओं, मधुर संगीत, परंपराएं, नृत्य और संस्कृति, संस्कृति के तत्व और संस्कृत के तत्व भी उसमें आयाम दिखाई देते थे कि हमारी संस्कृति क्या है, और अपने संस्कृति के अनुसार ही वीडियो चलता था, चाहे फिल्म चलता था। पहले का आप जितना भी फिल्म देखोगे, किसी भी लड़की का कपड़ा घुटने का ऊपर नहीं दिखेगा, किसी भी लड़के लड़की का कपड़ा आपको नाभि के ऊपर नहीं दिखेगा, जल्दी सब ढक कर रखती थी। लेकिन आज का फिल्म देख लो, जांघ के ऊपर पैंट, और भैया टॉप का तो जवाब ही नहीं है। इस धारा के फिल्मों में, आज के फिल्मों से छोड़ो, अब पिछले जाते हैं, ठीक है, तो इस धारा के फिल्मकारों में राजकुमार, पहले के दशक में राजकुमार, गुरुदत्त, बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं जो उस समय फिल्म बनाने में अपनी सारी भूमिका दे देते दे थे। लेकिन आज का पता नहीं क्या करते हैं। एक साउथ का राजा एस मौली है, वो फिल्म एक अच्छा बनाते हैं, लेकिन कभी अभी एक आदि पुरुष फिल्म आया है, सबसे घटिया फिल्म है मेरे मानने से, क्योंकि उसमें एक भी अच्छा चीज होता तो भैया माना जाता, ना ही रोल करने वाला हीरो, ना ही रोल करने वाली हीरोइन, ना ही अभिनेता ना ही अभिनेत्री, दोनों का दोनों चौपट। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबई सिनेमा पर व्यवसायिक का नशा इस कदर छाता गया कि फॉर्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। जो फिल्म को फॉर्मूला के रूप में लेते थे वो बहुत ज्यादा पैसा इससे कमाना चालू कर दिए थे। ऐसे फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा गया। जिस फिल्म में सेक्स नहीं होता था उस फिल्म में सेक्स को रख दिया गया। सेक्स मतलब संभोग, रोमांस, एक लड़का लड़की के बीच में जो दूरियां होती थी दूरियों को खत्म कर दिया गया। पहले के जमाने में जो माउस टू माउस, लिप्स टू लिप्स किस जो चलता था, पहले था नहीं, लेकिन आज कोई भी फिल्म नहीं है जिसमें दो तीन सीन ऐसा हो नहीं। हिंसा, पहले हिंसा कम दिखता था, आज हिंसा भैया गोली बंदूक कराटा फराटे क्या क्या, आज जो बंदूक बना भी नहीं उस बंदूक से भी फायरिंग लोग करते हैं। एक्शन, हाँ पहले भी लोग एक्शन करते थे, आज भी एक्शन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन नहीं चलने वाला है। लेकिन भैया फिल्म वालों की बात है, कुछ भी चला सकते हैं। कहने के लिए हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इसका मकसद महज पैसा कमाना है बस।
ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छेड़ दिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं, कई अलग अलग नाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम है। आज का सिनेमा जो है, हम मानते हैं कि जनसंचार के लिए बहुत बेहतरीन साधन है, लेकिन बात यहाँ पर है कि यार सिनेमा और मनोरंजन के माध्यम से आज का देख लो, आपको बता दूं, साथ साथ आज कुछ भी चलता है, विकसित आधुनिक तकनीक भी इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले कोरियोग्राफी होता था, आज भी होता है, लेकिन पहले एडिटिंग नहीं होता था, आज एडिटिंग होता है। आज एडिटिंग में ऐसा हो जाता है कि बहुत लड़के पागल हो जाते हैं, वह भी लगते हैं वैसा कूदने फाड़ने, मर जाते हैं वैसे में। आज के फिल्म में देख लो, जो लड़का लड़की के बीच में रोमांस चलाया जाता है, हर देखने वाला भी सोचता है कि हमारी रोमांस लाइफ भी वैसा ही होगी, हमारी जीवन भी वैसा ही होगा, सब कोई सोचता है। भैया आज एक सेक्स वीडियो अगर कोई देखता है तो उसका मन कहां कहां तक चला जाता है, मन बहुत कई गुना आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आपके मन को इतना ज्यादा गति प्रदान हो जाता है, मन इतना सोच लेता है कि आप जो नहीं करना चाहते हैं वह भी करने के लिए मजबूर हो जाइएगा। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। आज भारत सबसे ज्यादा फिल्म निकालने वाला सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बना है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली जाती है उसमें भी फिल्म है और खूब चलती है, ऐसा बात नहीं है। कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मुंबई का फिल्म हो गया, चाहे बिहार का बिहारी फिल्म हो गया, बिहारी फिल्म तो बहुत जगह चलता है, भले मराठी ना चलता हो, तेलुगु ना चलता हो, लेकिन जब डबिंग करेंगे तो उसमें चलेगा। आगे आता है इंटरनेट, जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं, अभी बिना इंटरनेट का हम पढ़ नहीं सकते हैं ना। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है, बहुत तेजी से फैल रहा है। आज इंटरनेट मुकेश अंबानी जी के वजह से आज कई गुना रफ्तार में आगे बढ़कर हर घर में इंटरनेट पहुंच गया है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं एक इंटरनेट वेबसाइट पे। आज YouTube पे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोग इंटरनेट के वजह से आज क्राइम भी करने लगे हैं, आप मत करना, अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, देश के लिए अगर कुछ कर रहे हो, अगर देश के लिए क्राइम करना पड़ जाए मंजूर है, कर डालेंगे, लेकिन देश के खिलाफ कभी क्राइम नहीं करेंगे, कभी भी गुनाह नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को हानि पहुंचे। देश के लिए करो, भारत के लिए करो, दूसरे देश से चलेगा वो, क्योंकि भैया हम अपने देश के लिए मर मिट रहे हैं ना, आपको क्या जाता है। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। विश्व व्यापारी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। जो आपको चाहिए हजारों लाखों पन्नों में से अपने मतलब का सामान आप खोज सकते हैं। यह एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मुक दर्शन नहीं है, मुक मतलब सामने, आप उसको दर्शन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आप हर चीज का जवाब ढूंढ सकते हो। आप कहीं भी हो, किसी के सामने हो, आप सवाल जवाब कर सकते हो। ऐसे परिवार में करोगे दो चार चट्टा लग जाता है, लेकिन फिर भी बहस कर सकते हो, बहस मुहाविशों में भाग ले सकते हैं, जहां पर एक दूसरे की तरफ से बोली की वजह से लड़ाई चलती हो वहां पर आप भाग ले सकते हैं, जिसको डिबेट बोलते हैं इंग्लिश में। आप चीट कर, यहाँ पर दिया गया है, चीट कर सकते हैं और मौन हो सकते हैं, अपना
बलाग बुनकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं, किसी भी बहस का। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कंबर्जेस के युगों में पहुंचा दिया है, जिसमें मीडिया हमें समागम मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का मतलब नया एक युग बना दिया है, जिसमें मीडिया हर किसी से हाथ मिलाकर चलता है और संचार की नई समस्याएं चाहे संभावनाएं जगा दी है। ये लोग नया संभावना जगा दिया कि भैया इंटरनेट है, मीडिया है, हर चीज कर सकते हैं। आज कहीं का भी लाइव प्रसारण हम देख सकते हैं तुरंत। हर माध्यमों में कुछ गुण होता है तो कुछ अवगुण भी होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नया कपाट खोल दिया, मतलब नया अलमारी खोल दिया, अलमीरा खोल दिया है, और कहीं पे ऐसे कुत्ते लड़के हो जाते हैं जिसके लिए इंटरनेट एक फालतू का सामान बनकर रह गया है। इंटरनेट का इस्तेमाल करो, इंटरनेट का तुम गलत इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ गलत होगा। आज मैंने इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल किया तो इंटरनेट आगे चल के हमारे लिए सही काम करेगा, लेकिन हम गलत करेंगे तो धीरे धीरे हमारे साथ गलत ही हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को बोलो, हर गधे का एक दिन आता है, अपना भी दिन आएगा, अपना भी दिन आएगा, बस इंतजार करो और मेहनत में लगे रहो। हमें विश्व ग्राम का सदस्य बना दिया गया है, वहीं इसमें कुछ खामियां भी है। पहली खामी तो यही है कि उसमें लाखों लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं। आज इंटरनेट में लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए, मतलब पेजेज, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है, चाहे पड़ सकता है अगर देखे तो, नहीं देखेंगे तो नहीं पड़ेगा, देखेंगे तो पड़ेगा। और आगे है, दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका इंटरनेट का दुरुपयोग होता है जो हैकर लोग करते हैं। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई है। इंटरनेट का दुरुपयोग करके लोग एक दूसरे के सर्वर को हैक कर ले रहे हैं और सारा पैसा गुल कर देते हैं। गतिविधि, क्या आपका ईमेल अकाउंट है? हाँ, मेरा भी है, आपका भी होना चाहिए, शायद होगा। अगर नहीं तो अपने शिक्षक की मदद से अपना ईमेल अकाउंट खोलिए और सप्ताह में कम से कम एक बार अपने किसी परिचित रिश्तेदार या मित्र को ईमेल भेजिए, जिसमें अपना हाल चाल देने के अलावा उनका हाल चाल पूछिए। अगले भाग में हम पढ़ेंगे जन संचार माध्यमों का प्रभाव क्या रहा, कैसे कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।